हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101 एस लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी कैसे हैं आप यूपीएससी 101 मेरा चैनल है ठीक है यूपीएससी 101 मेरा चैनल है ये दूसरा चैनल है मेरा अगर पर्सनल चैनल से आप जुड़ना चाहते हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ठीक है और मेरे चैनल का नाम है यू पी एस सी वन ज़ीरो वन अभी मैं बता देता हूँ मेरे चार चैनल से लगे तो सबसे पहले आपका बहुत वार्म वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आज का टॉपिक नंबर है तीन सिक्स क्लास एन चैप्टर नंबर तीन चैप्टर नंबर तीन जो है वो है पृथ्वी की गतियाँ मोशन ऑफ अर्थ कितनी प्रकार से पृथ्वी जो है वो गति करती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर तीन में लेके आया हूँ आपके लिए और डेली की तरह हमारी क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों यूपीएससी सीएससी 2021 इसके अंदर में चार जब हमने 2021 के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो मैं चार अलग अलग चैनल्स लेके आपके बीच में आया था ये जो चैनल्स थे ये थे हमारे ज्योग्राफी 101, जीरो वन यू पी करंट अफेयर वन जीरो ना एन सी तो इन चार चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपके बीच में आया था और अभी भी मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा कि प्लीज़ इन चारों चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप यू पी हैं तो एक बार चारों चैनल को यू नहीं तो अगर आप स्टेट पी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चार चैनल है जिनको आपको सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना चाहिए आप चाहें तो मेरे साथ अनकेडमी के ऐप पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनकेडमी के ऐप पर जुड़ना बहुत आसान है आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करना है फॉलो एक बार आप मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो कर लीजिए उसके बाद कोई भी क्विज हो कोई भी कोई भी प्लस स्पेशल क्लास हो या कोई भी प्लस कोर्स हो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बस याद रखना है आपको मेरा कोड मेरा कोड रहेगा सुमित टेन सुमित टेन मेरा कोड है यूज़ करोगे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी में मैं खुद गाइड करूँगा पूरी यू की तैयारी में मैं खुद आपको गाइड करूँगा मैं खुद बताऊँगा कैसे पढ़ना है क्या करना है कैसे नहीं करना है बट याद रखना जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेरा कोड यूज़ करना रहेगा और मेरा जो कोड रहेगा वो रहेगा सुमित टेन ठीक है सो so, कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल देता हूँ और आप जो ध्यान इस बात पे ध्यान देते नहीं है जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो दूसरा कोड यूज़ कर लेते हैं और उसमें फिर आपत आ जाती है दिक्कत आ जाती है गड़बड़ आ जाती है तो ऐसा ना हो इसीलिए मैं आपसे जो है बार बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा कोड जो है वो ध्यान रखिएगा आपके आउट आप कोड क्या है मेरा सो में टेन टेन परसेंट डिस्काउंट आपको अशॉर्ट मिलेगा मेरा अभी यार बीस परसेंट डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है साथ ही साथ में आपको सिक्स मंथ का फ्री एक्सटेंशन ठीक है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सिक्स मंथ अप टू सिक्स मंथ तक का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है तो अभी तक का बेस्ट ऑफर है यार जा सकते हैं आप ज्वाइन कीजिए आज रात लास्ट डेट रहेगी ठीक है इसके बाद ये खत्म हो जाएगा अगेन कोड रहेगा सुमिट टेन अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूपीएससी सी एस के नोट्स टू पॉइंट भी मिलेंगे और ये रिवाइज नोट्स हैं लेटेस्ट नोट्स हैं अपडेटेड नोट्स हैं तो इनको भी आप क्या कर लीजिएगा फॉलो कर लीजिएगा आज का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अर्थ पृथ्वी की गति एनसीआरटी में आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा दो प्रकार का मैंने इंग्लिश भी रख दिया देखो हिंदी में भी रख दिया है ठीक है दोनों चीज मैंने रख दी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है वो दिक्कत ना हो तो मोशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की गतियाँ पृथ्वी की गतियाँ ठीक है अर्थ का मोशन एंड पृथ्वी की गति हिंदी में इंग्लिश में इंटरचेंजेबली ऐसे यूज करते हैं आप एनसीआरटी खोलोगे चैप्टर नंबर तीन कुछ ऐसा आपको दिखेगा इसी चैप्टर को अपन डिस्कस करने वाले हैं तो यार आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मोशन ऑफ अर्थ कितने प्रकार का होता है आपको कल यानी कि लास्ट क्लास के अंदर में हमारे आपसे डिस्कशन भी हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था जी मोशन ऑफ अर्थ जो है इट इज ऑफ थ्री इट इज ऑफ टू टाइप दो प्रकार का होता है पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन ठीक है हिंदी में बोलते हैं परिभ्रमण और घूर्णन और दूसरा जो होता है दैट इज गोइंग टू बी नोन एज रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है परिक्रमण एक में पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है और दूसरे में पृथ्वी अपने कक्ष के चारों ओर घूमती है अक्ष और कक्ष दोनों क्या चीजें हैं दोनों मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी का जो मोशन है वो दो प्रकार का रोटेशन और रिवॉल्यूशन ठीक है रोटेशन जो है उसको क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं रोटेशन को बोलते हैं घूर्णन और रिवॉल्यूशन को बोलते हैं क्या दोस्तों परिक्रमण दो चीजें हैं मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस रोटेशन रोटेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों रोटेशन इज स्टैंड फॉर घूर्णन बहुत सिंपल है ठीक है इसको हमने हिंदी में कह दिया क्या घुर्नन अच्छा घुर्न के साथ साथ एक और वर्ड भी है इसके साथ जो आप यूज कर सकते हो वो है परिभ्रमण जैसे वो परिक्रमण है ना ये परिभ्रमण कहलाता है ये क्या कहलाता है परिभ्रमण ये जो सेकंड है हमारा ठीक है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों दिस इज परिक्रमण सो दो चीज है परिभ्रमण है एक तो और दूसरा क्या है दोस्तों हमारे पास परिक्रमण है ना क्या होता है दोस्तों देखो पृथ्वी की गति दो प्रकार की है साफ साफ कह रहा है घुर्नन और दूसरा क्या है परिक्रमण है ना दो प्रकार की गति है कैसे मैं आपको बता देता हूं इन द फर्स्ट केस क्या हो रहा है दोस्तों पहले केस में ये आपकी पृथ्वी है जो घूम रही है अपने अक्ष के चारों तरफ ठीक है इन द फर्स्ट केस व्हाट इज हैपनिंग ठीक है पहले केस में कुछ ऐसा हो रहा है ये हमारी पृथ्वी है ये पृथ्वी का क्या है दोस्तों एक्सेस है ठीक है और ये अपने एक्सेस के चारों तरफ ऐसे घूम रही है एक्सेस है अपना अक्ष और ये अक्ष के चारों तरफ पृथ्वी जो है घूम रही है एंड सामने जो है यार ये है हमारा सन ठीक है तो जो भाग सूरज के सामने होगा मैंने आपको बताया था जो भाग सूरज के सामने होगा वहाँ पर होगा दिन यहाँ पर होगा डे और जो भाग पीछे होगा दोस्तों यहाँ पर होगी रात अंधेरा कायम रहे ठीक है तो ये इलाका शक्तिमान का और ये इलाका है तमराज किलविस का कल भी बताया था हमने डिस्कस हुआ था हमारे बीच तो ये इलाका है तमराज किलविस अंधेरा कायम रहे देखा शक्तिमान है हैं भाई शक्तिमान देखा है कि ना देखा शक्तिमान से मेरे को बचपन के कुछ दिन याद आ जाते हैं बचपन की कुछ कहानियाँ मेरे को ध्यान आ जाती है बताऊंगा नहीं थोड़ी सी असामाजिक है समझ रहे हो बताऊंगा नहीं क्यों नहीं बताऊँगा बिकॉज थोड़ी सी क्या है असामाजिक है सर लाइव क्लास का टाइम बता दो साढ़े आठ बजे है यार लिखा होता है देख भाई ये देख दिखाऊँ मैं दिखा देता हूँ एक मिनट रुझा ये देख जैसे क्लास शुरू करते हैं ना उससे पहले ये थंबनेल था इस पे देख क्या लिखा हुआ है लाइव आएगी कितने बजे आएगी आठ बजकर तीस मिनट पर ठीक है सब लिखा होता है बस थोड़ा सा एफर्ट करो थोड़ा सा देखो साढ़े आठ बजे होता है दोस्त चिंटू हीम क्रीम जामुंडा मिर्चा सुमिताटी प्रकटो नवा हो तो रखा यार <laughs> मैं का पता नहीं हीम की मेरे को दूर से दिखा हींग मैं का क्या कर रहा है पता नहीं यार अब सुनो मेरी बात दो प्रकार का होता है रोटेशन और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों हमारे पास रिवॉल्यूशन ठीक है सो so, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन इज द टू टाइप ऑफ द मूवमेंट ये हमारे पास क्या हो गया इसको हम कहते हैं घूर्णन ठीक है घूर्णन कह दो या क्या कह दोगे आप परिभ्रमण है ना एक टाइप हो गया सेकेंड टाइप जो है मेरे पास इसको हमने बोलना है रिवोल्यूशन यार ये रिवॉल्यूशन जो है ना इसको हम कहते हैं परिक्रमण अभी परिक्रमण क्या होता है आपको पता है सिंपल है ये भी एज सिंपल एज दैट इसमें क्या होता है देखो ये बीच में सूर्य हमारा सन है और इसके चारों तरफ पृथ्वी जो है ना इस प्रकार से घूमती है ठीक like है ना चार तरफ चार जगह जाके ना ऐसे सेल्फी ले ली ठीक है ये चार जगह पृथ्वी की अलग अलग सेल्फी है दिस इज सेल्फी विद पाउट और ये अलग अलग टाइम कब का दोस्तों दिस इज ऑफ मार्च ये मार्च के बाद क्या है जून तीन तीन महीने का डिफरेंस है ये है आपका सितंबर का और ये क्या है दोस्तों आपका दिसंबर का है ना सब पे आपका ये है इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन कहो या इसको क्या कहो परिभ्रमण यहां पर इसको क्या कहो घूर्णन कहो या क्या कहो परिभ्रमण ये क्या है परिक्रमण सो दीज आर द टू टाइप ऑफ द मूवमेंट इसको हमें पढ़ना है दो प्रकार के मोशंस हैं पृथ्वी की गति हैं है, जिनको अपने को डिस्कस करना है एंड वी आर गोइंग टू टू डिस्कस ठीक है अब देखो यार सिंपल है पहला जो है आपका बहुत सिंपल है जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे द फर्स्ट वन इज दिस रोटेशन देखो पृथ्वी अपनी ऐसे घूम रही है मस्त एकदम बढ़िया अब ये जिसके चारों तरफ घूम रही है ना उस चीज को हम बोलते हैं एक्सेस ठीक है अब ये काल्पनिक रेखा होती है वैसे ऐसे कुछ होती नहीं है आप ये मान के चलो कि बेसिकली काल्पनिक रेखा होती है ठीक है ऐसे ये काल्पनिक रेखा है और इसके चारों तरफ देखो ये किधर से किधर घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है तो ये हमारी पृथ्वी है देख रहे हो आप इसको कहते हैं रोटेशन ये सिंपल रोटेशन है इसको बोलते हैं रोटेशन कह दो या हिंदी भाषा का उपयोग करोगे तो क्या होगा मित्रों घूर्णन, या क्या होगा परी भ्रमण ठीक है अब आपको समझना यह है कि इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे देखो इससे प्रभाव ये होगा ये सूर्य देवता है ये भी पीछे नहीं है भाई ठीक है ये भी साथ साथ आगे तो जो भाग देखो जैसे घूमता जाएगा जैसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है तो जो भाग सूरज के सामने आता जाएगा दिन जो भाग पीछे रहेगा वह रात तो बहुत सिंपल सी चीज है जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वहां दिन और वहां पर जो अपोजिट पार्ट होगा वहां पर क्या होगा तो अगर हम देखें तो यह पृथ्वी का एक्सेस है और इस एक्सेस के चारों तरफ लाइक दिस अर्थ जो है वो पश्चिम से किधर की तरफ दोस्तों पूर्व की तरफ क्या कर रही है घूम रही है तो ये जो भाग है जो इसके सामने है ठीक है ये जो हाफ पार्ट है अगर मैं बताऊं ये हाफ पार्ट ठीक है दिस इज द हाफ पार्ट ये, हाँ पार्ट जो है, ये देखो सूरज के क्या है दोस्तों सामने। तो जो हाँ पार्ट सूरज के सामने तो दोस्तों, आपका और इधर क्या आपका नाइट, जो आता जाएगा वहां पे दिन रहेगा ठीक है पीछे वाले भाग पर क्या रहेगा नाइट अब लेकिन इसमें ना कुछ चीजें हैं कुछ बातें हैं जो अपने को याद रखनी है वो बातें क्या हैं देखो सबसे पहली जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है हमें ड्यूरेशन देखो ड्यूरेशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों अवधि इसकी अवधि कितनी है बताओ मुझे अच्छा कितना टाइम लगता होगा इसको एक चक्कर पूरा करने में कल भी बताया था सर ट्वेंटी फोर आवर वैसे है तेईस घंटे छप्पन मिनट कुछ सेकेंड बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि ज्यादा आइंस्टीन का फूफा बनने की जरूरत नहीं है ठीक है नॉर्मल रहो साढ़ घंटे रखो बहुत है ठीक है डायरेक्शन के बाद दूसरी बात पे आते हैं ड्यूरेशन के बाद आते हैं डायरेक्शन सर डायरेक्शन का मतलब है दिशा सर इसकी दिशा क्या होगी भाई इसकी दिशा जो होगी वो है पश्चिम से पूर्व अभी बताए थे मैंने है ना पश्चिम से पूर्व सर इसके प्रभाव बता दो आप, आप प्रभाव मुझे आप बताओ इसके प्रभाव क्या होंगे क्या होंगे दोस्तों इसके प्रभाव देखो इतनी इजी पीजी लाइक चीजी बात है ना बहुत इजी पीजी है बताओ क्या प्रभाव होगा भाई इसका प्रभाव बता दो मुझे क्या होगा इसके प्रभाव क्या होंगे बताओ जल्दी से बताओ सिंपल है इसका प्रभाव अगर हम बोलें ठीक है तो इससे डे नाइट फॉर्मेशन होता है क्या होता है इससे डे एंड नाइट फॉर्मेशन यानी कि अगर हम बोलें तो दिन व रात का बनना इसे बेसिकली दिन और रात बनते हैं ठीक है जो बा घूमता जाएगा सामने रहेगा उस पर लाइट पड़ती रहेगी और वो देख ये बात तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत आसान है डे लाइट फॉर्मेशन होती है डे और नाइट फॉर्मेशन दिन रात का बनना दिख रहा है आपको देखो जो भाग घूम रहा है सूरज के सामने जहां पर भी सूरज की लाइट पड़ेगी वो दिन और जो पीछे वाला भाग होगा हाफ पार्ट पे पड़ेगी तो वहां दिन होता रहेगा पीछे वाले हाफ पार्ट पे रात्रि चलती रहेगी ठीक है ये इलाका शक्तिमान का दिस इलाका इज ऑफ तमराज किल एक कहानी सुना दू एक कहानी सुना दू कितने बच्चों ने सुनी हुई है मेरे से शक्तिमान वाली कहानी कहो तो सुना दूंगा नहीं तो छोड़ दूंगा जल्दी बता दो फिर फटाफट से सुना दे शक्तिमान वाली एक आप बीती सुनाना चाहता हूँ मैं सुना दू हिंदी में बता रहे हैं दोस्त देखो कृष्णकांत हिंदी में देख भाई अवधि दिशा प्रभाव घुर्णन परिभ्रमण सब तो हिंदी में भी लिखा हुआ है इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है दोनों में लिखा हुआ है ठीक है एकदम इस प्रकार का फोबिया रखो ही मत एकदम टेंशन मत लो आपसे ज्यादा इसीलिए तो इस, इस चैनल पे आया हूं मैं भाई इसीलिए इस चैनल पे आया हूँ ताकि आप लोगों की ये जो समस्याएं हैं ये जो दुख हैं इनका हरण कर सकूँ मैं आप चिंता मत करो मैं हूँ आपके लिए देखकर शक्तिमान तो देखते ही थे बचपन में आप सबको पता है अब शक्तिमान का हाल ऐसा था कि ये जब आता था टीवी वगैरह तो खर हमारे बहुत पहले आ गया था कलर टेलीविजन हम 2000 के आसपास ले आए थे मेरे पापा सैमसंग का वो अभी भी है वो तो मैं क्या करता ना आवाबाजी किया करता अपने दोस्तों में मैं ऐसे ना रिमोट डाल ले जाया करता बैग में कि जैसे किसी को पता नहीं फिर मैं कहता ओहो रिमोट आ गया फिर सब देखते तो रिमोट रिमोट वाला टी है तुम्हारे मैं कहाँ फिर मैं कहता मौका मिल गया बात शुरू होगी मैं कहा, तुम्हें एक बात पता है कह रहा क्या मैं क्या शक्तिमान की ड्रेस लाल है छोड़ हल्का सा बम अब बातचीत शुरू कह हट यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है उसकी तो सलेटी रंग की है मैं कह रहा बावड़े ब्लैक एंड वाइट हम देखते हो मैं गाना वहाँ कलर टेलीविजन दिखाऊंगा इस बार अब सारे पहुंच जाते भाई ये संडे के दिन सारे पहुंच जाते भाई शक्तिमान देखेंगे सुमितर के घर चलते हैं सारे भाई मैं बढ़िया उस टाइम पे गांव में डिश वगैरह तो थी नहीं वो एंटीना होता था उस एंटीने पे लग के लग जाते थे तो मैं ग्यारह बजे लगता बढ़िया तार वार छील के लगा के एकदम साफ़ हो जाता था ना करेक्ट तब देखने बैठते हम शक्तिमान शुरू होता अब गांव में ना लाइट की प्रॉब्लम थी अब शक्तिमान एक ऐसी चीज़ थी जो सब देखते थे उस समय लाइट कम आती थी तो सरकार की पॉलिसी होती थी जब लाइट का पीक कंजम्पन होना भाई इंडस्ट्रियल एरिया में तो दो क्योंकि वहाँ तो काम रुक जाएगा लेकिन जो वैसे रेजिडेंशियल एरिया वहाँ से लाइट काट लो पीक टाइम पर काट लो ठीक है जैसे शाम का हो गया सात से लेकर नौ बजे तक उसके बाद पीक टाइम पर लाइट कट जाती तो शक्तिमान वाला टाइम पीक टाइम माना जाता सब लोग टी चलाते थे टीवी चलेगा पंखा भी चलेगा ऑब्वियस ही बात है तो उस टाइम पर लाइट कट जाती थी ठीक है अब शुरू होता ये आत्मशक्ति है दुनिया बदल सकती है इतनी देर में लाइट चली जाया करती थी मगर ले बदलगी दुनिया अब क्या करें बहुत देर समय लग... लगाए थे तार वार छीलने के अंदर बहुत टाइम लगाया था अब सब लोग उत्सुक हो जाते हैं यार करें तो करेंगे फिर सब थोड़ी देर बैठते फिर चलते लाइट तो आनी थी नहीं गांव में दो ही आदमी ऐसे थे जो बिना लाइट के शक्तिमान देखने का प्रबंध कर सकते थे एक तो गांव में डॉक्टर थे ठीक है गांव के वो जो डॉक्टर थे बड़े मतलब तगड़े डॉक्टर हैं तगड़े डॉक्टर मतलब अच्छे भी डॉक्टर हैं यार उनकी दवाई जो है हमें लगती है लेकिन उनकी जो स्टोरी है यार कहानी है वो है बड़ी मज़ेदार है ठीक है कहानी उनकी ऐसी है कि उनके पास कभी भी चले जाओ डॉक्टर साहब पेट में दर्द है डॉक्टर साहब सर में दर्द है कभी भी चले जाओ तुम्हें ना मतलब उसने कोई हाथ लगाना ना थर्मामीटर देना एक बात कहनी है उसने सीजन चल रहा है पेट दर्द होगा तो भी माथे पा हाथ लगाएगा कहेगा हम सीजन चल रहा है एक बात बोलेगा सीजन चल रहा है हरियाणा ही बोलते हो सीजन चल रहा है मतलब अभी इस चीज़ का ना सीजन चल रहा है आप कुछ भी बोल दो कहेगा सीजन चल रहा है ठीक है एक बार मेरा हाथ कट गया मैं कुछ कर रहा था तो मैं गया मैं कह जी टेक्टस का इंजेक्शन लगा दो तो मैं जैसे ही गया तो कह रहा सुनी नहीं उसने बात उसने सोचा पेट में दर्द कह रहा हाँ हाँ सीजन चल रहा है ठीक है तो उसने दवाई दे दी भाई मेरे को दवाई ले ली मैं ले कर दवाई मैं आ गया ठीक है क्या कर सकता हैं उसी टाइम पे मेरा भाई भी गया हुआ था दवाई लेने उसके बुखार चढ़ रखा था हम दोनों दवाई लेके आए तो घर आके वो भी दवाई ले आया मैं भी घर आके हमने दोनों दवाई मिलाई दोनों की दवाइयाँ सेम होता है ना छोटे बचपन में ना थोड़ा तेरी पांच गोली मेरी चार गोली है देख मेरी में लाल है तेरी में सफेद सफेद है ऐसे करके देख रहा हूँ मैं सब सारी गोली समान है सेम है भाई तब छोटे थे यार छोटे में तो क्या बोल रहे हम छोटे में तो कुछ बोलते नहीं थे अच्छा गोली निकालने का भी तरीका उनका ऐसा ही था उनके डब्बे पे टेबल पे ना पांच छह डब्बे रहते थे ऐसे किसी पे कुछ नाम नहीं लिखा होता था डब्बा उठा के जैसे ये डब्बा है ना जैसे उठा के यूं बजा के देखा करते इसमें तीन चार टाइप की दवाइयां ऐसे बजाते उसको पता चल जाता था कौन कौन सी गोली रखी है इसके अंदर मतलब ये भी कला है यार कौन कौन सी गोलियां इसके अंदर ये भी कला है ठीक है दवाई पहचानने की जेनरिक दवाइयां दिया करता हूँ तो निकाल के पुड़िया बना के दे दिया करता वो अच्छा एक बार तो उसके कैंसर की दवाई बनवा लो कह देगा अच्छा ठीक हो जाए लेकिन उसकी दवाई ऐसा बात नहीं है असर भी करती है ठीक है मतलब गाँव के अंदर बहुत पुराने टाइम से और बहुत अच्छे से लो हुआ ट्रीटमेंट में तो बस अच्छी मतलब जो मजाकिया बात है वो बता रहा हूँ तुम्हें तो अब मैं छोटा था तब तो ऐसी बात थी भाई ठीक है अब जब बड़ा हो गया हूँ तो यार अब थोड़ा सा डाउट आ जाता है तो मैं कई बार पूछ लेता हूँ मैं क्या दवाई देता है ना मैं कभी जैसे एमरजेंसी में दवाई लेके आनी हो तो आप जाओगे तो नहीं तीन चार पाँच किलोमीटर मैं उसी पास चलो पेट दर्द दे दी तो मैं उसे कहूंगा मैं ये दवाई तो तुमने बुखार में भी दी थी कहता हाँ सेम है ये भी मैं कहा ये बुखार में भी जब मेरी उल्टी लगी तब भी तुमने यही दी थी कहता हाँ ये सब में उसमें भी चलती इसमें भी चलती है फिर मैं कहा मेरा हाथ कटा था तब भी तूने दी थी तो वो दवाई लेके कर रख ली करे ले भैम नहीं करा करते ले दूसरी ले जा दूसरी दे दी करे ये ले जा भैम कर रहा है यार तू तो सब में काम आती है मैं भाई मैं क्या वही खतरनाक डॉक्टर है ये ठीक है एक नंबर का डॉक्टर था मैं भाई डॉक्टर कुछ भी का एक नंबर का है मैं बार बार जब क्वेश्चन करे मैं कहता भैम नहीं करा अगर करते ये रख दे दूसरी ले जा दूसरी दे दी बना के पुड़िया उसने मैं, मैं यार सही है तो तो वहां उसके पास क्या था ना एक बैटरी रख रखी थी उसने तो वो बैटरी से सिस्टम बना के टीवी चला दिया करता लेकिन जनरली यार वो दिखाता था ही नहीं कभी भी जैसे उनके घर में ना बहुत भीड़ हो जाया करती तो जब भी हम उधर जाया करते ना तो वो क्या करता था ना धमका के भगा ही दिया थोड़ी देर देखने दिया देखने दिया ना तो यूजली ऐसा ही होता धमका के भगा दिया करता वो ठीक है उसका सीजन अच्छा चल रहा हो तो देख लेने देगा पेशेंट अच्छे आए मतलब वहाँ बात बनती नहीं थी बहुत मुश्किल काम था कभी कभी क्या हुआ देख लिया अपने खास खास लोगों को दिखाता था वो फिर हम जाते थे दूसरी जगह हम तो बच्चे थे हम कहाँ के खास होंगे फिर दूसरी जगह जाते थे तो एक आर्मी से रिटायर्ड थे उनके घर में इन्वर्टर था एक ही आदमी थी घर में इन्वर्टर था पूरे गाँव में ठीक है तो वो ऐसे गली में घर था उनका जैसे गली है और जैसे ये बोर्ड हो गया ना ये अपनी जैसे मान लो विंडो होगी उनके घर की बाहर की तरफ विंडो के बिल्कुल सामने टीवी लगा हुआ है लेकिन इस पर जाली ठुकवा रखी है उन्होंने जाली होती है ना तो हम जाके ना ऐसे उस पर जगह रोकते थे अरे ये मेरी दूसरा आता अरे ये मेरी तीसरा अरे ये मेरी चौथा कहता रहा ये मेरी हम ऐसे जगह रोकते थे दस बारह बच्चे होते थे सबको अपनी अपनी देखने के लिए जगह रोकनी थी तो हम जाके यहाँ मेरी मेरी करने लग जाते थे थोड़ी देर में वो दरवाज़ा बंद हो जाता था यार बड़ा गुस्सा आता था समझ में आया नहीं कि दरवाज़ा बंद क्यों होता था आज पता चला दरवाजा हमारी हरकतों से बंद होता था हमें बोलने की थोड़ी सी अकल होनी चाहिए हम हम बोल रहे थे ये मेरी ये मेरी हमें बोलना चाहिए था यहां से मैं देखूंगा भाई जगह ये जगह मेरी है शक्तिमान देखने की हम बोलते थे ये मेरी ये मेरी वो कहता था ठीक है तो ये मेरी यार उस घर में दो लड़कियां थी तो ये जब ये होता था ना ये मेरी मेरी तो गलत इंडिकेशन जाता था तो दरवाजा बंद हो जाया करता शक्तिमान देख ही नहीं पाया करते घर आते वापस घर आते तब तक मैं वो कपाला की और उसकी लड़ाई होती थी डॉक्टर जय बोल खत्म होने वाला होता था शक्तिमान कभी नहीं देखा लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैंने सारी देखी हुई है वही आ, आ रही होती थी उस टाइम पे ठीक है वही देखते थे तो इससे मेरे को वो याद आ जाता है तो ये हो गया अब आते हैं दोस्तों किस पे रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं परिभ्रमण पहली बात बता रहा हूं देखो हिंदी में ही बता रहा हूं ध्यान से देखना इसको क्या कहते हैं परिभ्रमण सॉरी परिक्रमण तो पहली बात तो ये कि कोई बच्चा इंग्लिश हिंदी वाला सिस्टम ना रखे मैं दो मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही बता रहा हूं ये है आपका परिक्रमण परिक्रमण में क्या होता है देखो परिक्रमण में ये होता है जो अभी हो रहा है दिख रहा है तुम्हें इसमें क्या हो रहा है एकदम से पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर मार रही है दिख रहा है ना बढ़िया लग रही है? है? सूरिय है, सूरिय तरप, रही है 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 ठीक सूर्य सूर्य के चारों तरफ देखो ऐसे चक्कर मार ये कितने टाइम पे पूरा होता है? चलो बात कर लेते हैं सर सबसे पहले बात करते हैं सर इसकी अवधि कितनी है अवधि कितनी है सर अब इंग्लिश वालों को भी लिख ही देता हूं नहीं तो फिर ये कहेंगे कितनी है इसकी अवधि सर इसकी अवधि होती है तीन सही एक बटा दिन डायरेक्शन अगर हम देखें तो सेम है इसकी भी देखो वेस्ट से स्टार्ट करके ये भी ईस्ट में जा रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या है दोस्तों इसकी भी सर वेस्ट से ईस्ट में है इसकी डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व सर इसके प्रभाव क्या है इसके भी प्रभाव पूछते हैं हम आपसे प्रभाव बताओ इसके सर इसके अगर प्रभाव देखें इफेक्ट देखें तो इससे क्या बनता है मित्रों सर इससे बनता है क्या इससे बनते हैं आपके सीजन तो इससे सीजन फॉर्मेशन होती है अब सीजन फॉर्मेशन को हिंदी में क्या लिखेंगे सर इससे इससे होता है रित्मे परिवर्तन रित्मे बनती हैं ठीक है इसे. क्या बनती है इससे रित्वे बनती है यहां तक किसी भी बच्चे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या बताइए कोई टेंशन किसी प्रकार का पेट में दर्द जी में तला रहे हो नींद ना आती हो रात में भड़क लगती हो किसी की याद आती हो ऐसी कोई समस्या किसी के साथ में हाँ भाई बताओ साउंड एकदम बढ़िया आ रहा है साउंड में कोई दिक्कत नहीं है साउंड जो है जे का सिस्टम लगाया हुआ है कोई टेंशन नहीं है साउंड वाउंड ओके ऑल चेक साउंड जय माता दी ठीक तो ये हो गया आपका क्या इसके बारे में रिवॉल्यूशन के बारे में अगर यार आपको क्या लगता है यार यूपीएससी वाले इतने ठाली पड़े हैं तुमसे ये सवाल पूछेंगे रोटेशन से क्या होता है रिवॉल्यूशन से क्या होता है लगता है तुम्हें हां भाई तुम्हें लगता है ये सवाल पूछेंगे रोटेशन से क्या होता है रिवॉल्यूशन से क्या होता है ना ऐसा नहीं पूछेंगे सच बता रहा हूं ऐसा सवाल पूछेंगे नहीं तुमसे वो पता क्या पूछेंगे वो तीसरी चीज पूछते हैं एक और तीसरी चीज है और उसका नाम है इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन का मतलब ये झुकाव आपको पता है दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अपने कक्ष अपने कक्षीय क्षेत्र के साथ ठीक है अपने एक्सेस के साथ ठीक है अपने ऑर्बिट के साथ में एक एंगल बनाती है और वो एंगल कितना है दोस्तों ठीक है ये कक्षीय समतल है ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है ये नेम देखो ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है देखो ये रहा ये वाला ये रहा आपको दिख रहा है ये कक्षीय समतल इसके साथ अगर आप देखोगे तो पृथ्वी का एंगल बन रहा है देखो ये जो एंगल है ये पृथ्वी का क्या है एक्सिस है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दुरु। ये पृथ्वी का क्या है दोस्तों एक्सिस तो एक्सिस के साथ अगर ये वाला एंगल देखोगे ठीक है? तो यह है, तो है, तो है कि साढ़े तेईस तो है? है? तो में साढ़े तेईस छियासठ बोल, बोल दो एक ही बात है बट फर्क है कि एंगल आप कौन सा ले रहे हो ठीक है ये वाला एंगल ले रहे हो साढ़े तेईस हो जाएगा ये वाला एंगल ले रहे हो तो साढ़े छियासठ कहने का मतलब क्या है दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कैसे मैं तुम्हें एक डायग्राम से बताऊंगा देखो मैंने क्या कहा था देखो देखने में आपको ऐसा लग रहा है हम अभी तक क्या सोच रहे हैं हम अभी तक यह सोच रहे हैं कि जो पृथ्वी है ना वो ऐसे घूम रही है ठीक है हमारी अजम्सन ये है ऐसे घूम रही है ये हमारा एक्सिस है अक्ष ऐसे घूम रही है। बट वास्तविकता में वास्तविकता ये नहीं है पृथ्वी ना झुकी हुई है थोड़ी सी तो अर्थ किस प्रकार से घूम रही है दोस्तों अपने अक्ष के चारों तरफ हमारी अजम्शन तो ये है काल्पनिकता तो यह हमारी लेकिन वास्तविकता ये है ठीक है वास्तविकता ये है पृथ्वी जो है ना वो यहाँ से यानी कि यहाँ पे एक घूम रही है ठीक है तो ये है हमारा क्या दोस्तों ये हमारा एक्सेस एक्सेस बोले तो ये है क्या अक्ष तो यहाँ पर क्या कर रही है दोस्तों आपका पृथ्वी घूम रही है आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब यही सवाल पूछा जाएगा आपसे आपसे कहेगा कि बताओ रोटेशन से क्या होता है हिंदी में लिखते हैं आपसे कहेगा कि बताओ घूर्णन से क्या होता है बताओ आप कहोगे सर घूर्णन से दिन व रात बनते हैं आप यही कहोगे आपसे पूछेगा बताओ परिभ्रमण परिक्रमण से क्या होता है बताओ आप कहोगे सर ऋतुएं बनती हैं क्या कहे कहोगे आप सर ऋतुएं बनती हैं और अगर आपसे कहेगा कि पृथ्वी के इस झुकाव से क्या होगा तो आप क्या बोलोगे बताओ बताओ मुझे पृथ्वी के झुकाव से क्या होगा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है जल्दी बताओ भाई पृथ्वी के इस झुके होने से क्या होगा टेलमी फटाफट से आंसर का वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे का पृथ्वी के इस प्रकार से झुके होने से क्या होगा वट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस पृथ्वी झुकी हुई लाइक like दैट बताओ मौसम परिवर्तन ऋतु परिवर्तन एक ही बात होती है ये <laughs> बात होती है बताओ इससे क्या होगा क्या होगा इससे पहली चीज हमने देख ली घुरनन से क्या होगा दूसरी चीज देख ली हमने और अब तीसरी चीज पूछेगा आपसे सवाल यहीं से आएगा बताओ प्यारे बच्चों मैं बता दूं दोनों होंगे इससे इसके प्रभाव दोनों पड़ते हैं सर इससे दिन व रात इसे जो दिन रात है ना दिन रात की जो अवधि होती है ना दिन रात छोटे बड़े होते हैं पता है आपको वो छोटे बड़े इसी की वजह से होते हैं दिन व रात की अवधि में परिवर्तन इसी के कारण होता है पहला दूसरा क्या होता है इसकी वजह से इंग्लिश में बोलेंगे चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट दूसरा जो है इससे सीजन पे भी प्रभाव पड़ता है इससे ना ऋतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है ठीक है इससे ऋतुओं पर प्रभाव पड़ता है अब देखो यार वैसे तो नॉर्मल बात यहीं खत्म हो जाती है इतना पढ़ लो बहुत है लेकिन कई बार क्या होता है ना हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं हमारे क्यू नाम का कीड़ा होता है कि क्यों भाई मैंने तो बता दिया कि दोनों प्रभाव पड़ते हैं इससे इससे ऋतु भी परिवर्तित होती है और इससे सीजन भी क्या होते हैं डे नाइट भी प्रभावित होते हैं और ये भी लेकिन क्यों नाम का कीड़ा हमारे अंदर उठता है ना तो देखो अगर तुम्हारे क्यू नाम का कीड़ा है तो मेरे पास उसकी दवाई है तुम बोलोगे तो मैं दे दूंगा दवाई ठीक है तुम बोलोगे तो दे दूंगा दवाई बट आपको बताना पड़ेगा नॉर्मल अगर आप नहीं पढ़ना चाहते इतनी इसी लेवल का रखना चाहते हो तो हो गया काम लेकिन अगर आप कहते हो सर लेवल अच्छा चाहिए हमें हमें तो हमारे मन में वो क्यू नाम का कीड़ा है तो बताओ मैं दे दूंगा दवाई और दू दवाई एक दिन क्या हुआ ना मेरे पापा जी बीमार थे ठीक है कमर में बहुत दर्द होता था तो घर पे रहते थे दो महीने हो गए थे एकदम रेस्ट पे थे तो कभी कभी मेरे पापा जो है ना से किया बहुत है बहुत मजाक करते हैं कभी कभी जब मूड में होते हैं तो तो एक सरदार जी थे हमारे तो सरदार जी आगे गांव में दवाई वाई नहीं देसी दवाई देते हैं नब्ज़ देख के है ना ऐसे ठीक है तो किसी की भी नब्ज़ पकड़े एक एक बीमारी बता ही दे उसको कि तेरे ब्लड प्रेशर तो है तेरे तो शुगर है तेरे ये और बीमारी बता के पूरी पहले उसको डराएगा फिर कहेगा हाँ दू दवाई ऐसे थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट में ना हाँ दू दवाई तो दू दवाई ऐसे ऐसे कर रहा हो तो मेरे पापा का भी देखा उसने पापा को देख के बार बार समझा के बोले जी दू दवाई ऐसे ऐसे कर रहा हो ठीक हम सुन रहे सारी बात तो गर्मियों का टाइम था ठीक है गांव में ऐसे कुछ उस टाइम पे यार ए सी वे होता नहीं था ये बात है सन 2002 हजार दो तीन चार के आसपास की तो गांव में ऐसा ही कल्चर होता है आपको पता है सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं जैसे गांव में कोई बेचने आता है कुछ तो हम सब बैठे थे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे तो नीम के पेड़ पे ना वो ततैये होते हैं वो येलो कलर के छोटे छोटे मधुमक्खी टाइप के ना तो वो होते हैं तो वो करे दू दवाई और ऐसे सरदार जी थे तो बियड थी उनको अच्छे ऐसे तो करे ऐसे और दू दवाई बार बार बोले वो दू दवाई वर्ड तो क्या हुआ शायद वो ततैया जो था येल्लो वाला वो घुस गया होगा इधर बियड में तो जब उसने ऐसे हाथ मारा तो काट लिया उसने यहाँ पे तो काट लिया था से, हाथ छिड़कने लगा ओ होने खा लिया खा लिया खा खा लिया, खा लिया खा लिया लिया ऐसे मेरे पापा बोले दू दवाई <laughs> मेरे पापा ने बात मार दी वहां पर कह रहा दू दवाई मेरे को याद आ जाता है तो आप बताओ दू दवाई आपको भी दवाई दे, दे देता हूं मैं आपको ठीक है बता देता हूं क्या होगा देखो दोस्तों इससे दोनों होते हैं ठीक है आपके जो परिभ्रमण है झुकाव जो है इससे दिन रात पर भी प्रभाव पड़ता है एंड साथ साथ में इंक्लिनेशन के दोनों चीजों पे प्रभाव होते हैं यहां पर हम लिख देंगे इसका ड्यूरेशन डे नाइट का ड्यूरेशन चेंज होता है मंगली संधि दोनों में लिख रहा हूं इसके इफेक्ट क्या है दोस्तों अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बताओगे सर कि जो डे एंड नाइट का जो हमारा ड्यूरेशन है वो क्या होता है चेंज होता है पहली बात एंड दूसरा इससे सीजन पर भी प्रभाव पड़ता है सीजन जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है ठीक है यहां पर भी हम लिख देते हैं हिंदी में देखो प्रभाव पहला क्या है पहला है सर इससे दिन व रात की अवधि परिवर्तित होती है दिन व रात की अवधि परिवर्तित होती है दूसरा यहां से ऋतुएं ठीक है ऋतुओं पर भी यहां पर प्रभाव पड़ता है अब वो कैसे पड़ता है वो अभी देखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बता इंक्लिनेशन तो हमें लगता ऐसा है, है 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 ऐसा कि पृथ्वी देखो ऐसे घूम रही ना सोचते तो हम ऐसा ही हैं कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है ऐसे करके ये एक्सिस है ऐसे घूम रही है बट ऐसा नहीं होता पृथ्वी कुछ ऐसे है देख रहे हो आप ये एंगल है और ये एंगल कितना है दोस्तों दिस इज एंगल ऑफ साढ़े तेईस डिग्री तो पृथ्वी वास्तविकता में इस प्रकार से टिल्ट है इस प्रकार से झुकी हुई है अब इस झुके के प्रभाव आपको देखने दे प्रभाव मैंने बता भी दिए क्या क्या प्रभाव है सर इसके? सर इसके इसके दोनों प्रभाव है क्या प्रभाव है इसके इसके सर दोनों प्रभाव है अभी हमने बताया सर इसकी वजह से दिन रात की अवधि में परिवर्तन आता है और इसकी वजह से ऋतुओं में भी परिवर्तन आता है समझ में आई बात ये इतनी बात याद रहेगी अब आपने कहा सर दवाई दे दो तो दवाई तो दूंगा बट दवाई से पहले परहेज होते हैं परहेज सुन लो दो परहेज है पहला है खट्टा नहीं खाना दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इसको देखने से पहले एक पहली जो चीज होती है उसको कहते हैं हम एक्सेस आप सब लोग बोल रहे हो अक्स 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 क्या आपको पता है अक्स होता क्या है कैन यू डिफाइन द एक्सेस क्या आप में से कोई भी एक्सेस को डिफाइन कर सकता है क्या ये जो एक्सेस में लिख रहा हूं कैन एनी बड़ी फ्रॉम यू कैन डिफाइन दिस एक्सेस कोई कर सकता है डिफाइन इसको कोई नहीं कर सकता बट मैं बता देता हूं एक ऐसी रेखा जो हमारे 90 डिग्री को नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से जोड़ती है एक काल्पनिक रेखा होती है तथा तो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से क्या करती है जोड़ती है क्या बोलती है सर मैंने ये। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं प्यारे बच्चों की ये सपोज करो ये पृथ्वी है मैं बोलता हूं ये अगर एक्सिस है मेरा

ये मतलब होता है एक्सिस का नब्बे डिग्री नॉर्थ नब्बे डिग्री साउथ मैं अगर आपको कह दूं कि नहीं भाई ये लाइन एक्सिस है है ना तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों इसका मतलब होगा कि सर दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे जब हम एक्सिस को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे एक्सिस एक ऐसी काल्पनिक रेखा अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है तो कोई भी लाइन अगर आप एक्सिस के रूप में लिख रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ का पता चल जाएगा यस और नो ठीक है यस और नो बताओ भाई यस और नो अरे मैं ये कहता हूं कि ये लाइन है सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि पृथ्वी है अब मैंने बोल दिया मैं स्ट्रेट ही दिखाऊंगा पहले मैं कह देता हूं ये लाइन एक्सिस है हमारी है ना ये एक्सिस है हम कह रहे हैं ये लाइन हमारा अक्ष है तो इसमें मुझे पता चल गया कि सर ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री साउथ 90 नॉर्थ साउथ हो गया अब 90 नॉर्थ साउथ का पता चल गया तो यार इतना भी पता लगा ही लोगे क्या हो जाएगा जीरो डिग्री जीरो के बाद ये क्या हो जाएगा बताओ अपना दिस इज साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ इसके बाद ये क्या हो जाएगा साढ़े तेईस डिग्री साउथ उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों दिस इज साढ़े छियासठ डिग्री नॉर्थ उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों दिस इज ऑल्सो साढ़े छिया डिग्री साउथ ये हो जाएंगे नब्बे नोट साउथ है अब ये है जो हम मानते हैं अब ऐसे ही अगर मान लो मैं कह दूं कि पृथ्वी झुकी हुई है इंक्लाइंड है जो सेकंड केस हमारा है अगर मैं वो लूँ तो भाई पहले केस में तो ये था ना कि हम ये सोच रहे थे कि यहाँ से है पृथ्वी ऐसे है बट ऐसा होता नहीं ना वास्तविकता में एक्सेस क्या है आपका थोड़ा सा टिल्ट है ऐसे है ना तो अब ये एक्सिस है हमारा ऐसे इसके चारों तरफ घूमती है पृथ्वी तो ये अक्ष है अच्छा ये अक्ष होगा प्यारे बच्चों तो आप बताओ मुझे ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना ये पॉइंट क्या हो जाएगा और ऐसे ही बताओ ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नब्बे डिग्री नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा नब्बे डिग्री साउथ और ये लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों जीरो डिग्री ये क्या हो जाएगी दोस्तों बताओ साढ़े तेईस सारी लाइनें भी थोड़ी थोड़ी झुक जाएंगी साढ़े तेईस नॉर्थ ये क्या हो जाएगी बताओ दिस इज साढ़े छियासठ नॉर्थ इसके बाद ये क्या हो जाएगी बताओ दिस इज साढ़े तेईस साउथ और ये क्या हो जाएगी दोस्तों दिस इज साढ़े छियासठ यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट तो अगर आपसे अब के बाद कोई पूछे कि एक्सेज क्या होता है अक्ष क्या होता है तो क्या आप बता दोगे बता दोगे भाई então ये लड़का कह रहा है समुद्र का पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता तुम्हारी वजह से भाई तुम रोके हुए हो यार <laughs> कतल आदमी हो कुछ कुछ सवाल पूछते हो उल्टे सीधे फिर कहते हो यूपीएससी की तैयारी करते हैं हमें ना चलो अब आगे बात करते हैं दूसरा परहेज दूसरा परेज जो है वो क्या है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इसको शॉर्ट में एलओआई कहते हैं फॉर्म जो है इसकी वो है लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन हिंदी में इसको क्या कहते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिदिप्ति रेखा अब ये क्या होती है इसको भी समझना भाई इसको भी समझना दोस्त ध्यान दो ये हमारा सूर्य है सॉरी पृथ्वी अब पृथ्वी ये है मैंने कह दिया कि ये हमारा एक्सेस है ऐसे मान लिया हमने वेस्ट से ईस्ट ये घूम रही है ये क्या हो गया हमारा अक्ष, सामने क्या है दोस्तों सामने है सन अब एक बात बताओ कितने पार्ट पर लाइट पड़ेगी सूरज के सूरज की वजह से न धरती कितने भाग पर लाइट पड़ी तो यार जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ा करो ठीक है नहीं पढ़ना होता तो तुम टाइम पास भी क्यों करते हो समय बहुत ज़रूरी है ठीक है समय बहुत ज़रूरी है और मैं यार इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकता भाई ऐसा अब जो सूर्य है कितने भाग पर लाइट देगा इसके हाफ पार्ट बहुत बढ़िया इसका आप देखो सूरज के पास खड़े हो जाओ और इसका हाफ देखो तो इसका हाफ क्या होगा ये भूल जाओ एक्सिस है यहाँ पे भूल जाओ तो इसका हाफ अगर मैं खींचूंगा तो वो हाफ यहाँ से जाएगा अब वो मेरी गलती नहीं है यहाँ पे एक्सिस है अब वो मेरी गलती नहीं है कि यहाँ पे एक्सिस है ठीक है ये हाफ पार्ट है इस हाफ पार्ट के सामने पृथ्वी है तो जो पृथ्वी के सामने रहेगा फिर मैंने दोबारा बता रहा हूँ जो भाग पृथ्वी के सामने है ये हाफ पार्ट वहां पर क्या होगा दोस्तों आपको भी पता है सर जो भाग सामने होगा उस पर हो जाएगा क्या ठीक है ये भाग था इस लाइन को बोल देते हैं हम एल ओ आई लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो भाग इसके सामने होगा इधर उस पर होगा डे और जो पीछे होगा इसको क्या कहेंगे नाइट अब ये हमारी गलती नहीं है कि एक्सिस के ऊपर है बट हमें ये समझना है कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति रेखा क्या होती है ठीक है क्या बोलते हैं इसको प्रदीप्ति रेखा समझ में आया ये ऐसी रेखा होती है जो दिन को रात से अलग करती है जो दिन को क्या करती है अलग करती है किससे रात से तो प्रदीप्ति रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो दिन को रात से अलग करती है तो मैंने दो चीजें आपको समझाई आपको वो कॉन्सेप्ट सीखना है तो उसके लिए पहला तो एक्सिस समझ लो एक्स क्या होता है एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है दूसरा प्रदीप्ति रेखा एक ऐसी रेखा जो दिन को रात से अलग करती है दोनों ही रेखाएं काल्पनिक है ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है ठीक है कभी जाके ढूंढने लगोगी देख के आते हैं अब मैं ये दिखाऊंगा आपको कि कैसे जो हमने बताया ना कि झुकाव की वजह से किस प्रकार से ये दोनों प्रभाव होते हैं ठीक है अब इसके लिए मैं सारे मामले को दो भागों में बांटूंगा दो केस में बांट लूंगा ठीक है केस नंबर वन मैं मान लेता हूं कि पृथ्वी जो है वो सीधी है झुकी हुई नहीं है मैंने क्या मान लिया मैंने मान लिया केस नंबर वन पृथ्वी झुकी है ही नहीं केस नंबर वन मैंने मान लिया इंक्लिनेशन जो है ना वो कितना है इज इक्वल टू जीरो में मैंने क्या मान लिया कि पृथ्वी सीधी है देखो इतनी बार तुमने ज्योग्राफी पढ़ ली मैं लिख के दे रहा हूं किसी ने पढ़ाई नहीं होगी एक क्लास में ज्योग्राफी दो क्लास में ज्योग्राफी ठीक है पढ़ी नहीं होगी तुमने इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं ठीक है और जो भी बच्चे यार यहाँ पर हैं मेरी क्लास देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट और भी है अपनी एक एन और होती है हिस्ट्री की सुनील सर करा रहे हैं तो सब लोगों को उसको भी बराबर देखना है जो मेरे सारे बच्चे हैं वो सब देखेंगे एवरीबडी ठीक है हर एक बच्चे को वो एम एन की जो सर सुनील सर की क्लास होती है वो देखनी है समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ तो ये एक पहला केस अब देखो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर के ऊपर जाएगा क्योंकि ब्यौत से बाहर होगी चीज़ें तो फिर अपने आप को ये मत बोलो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना ठीक है सो दिस इज द स्टैंडर्ड ये वो स्टैंडर्ड है भाई जो तुम्हें करना पड़ेगा अगर नहीं है बस की तो कोई बात नहीं फिर तैयारी का आपका कोई औचित्य नहीं है तैयारी का कोई महत्व तो नहीं है मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है इंक्लिनेशन जीरो इंक्लिनेशन जीरो का मतलब क्या होगा पृथ्वी जो है वो यहां पर उसका ये है एक्सेस ये क्या है उसका एक्सेस यानी कि अक्ष अच्छा अगर ये एक्सिस है तो आप मुझे बताओ ये लाइन की ये पॉइंट क्या हो जाएगा नब्बे डिग्री नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा नब्बे डिग्री साउथ लिख दूँ लिख दो सर नब्बे डिग्री नॉर्थ एंड दिस पॉइंट विल बी नब्बे डिग्री साउथ हो गया नब्बे डिग्री नॉर्थ नब्बे डिग्री साउथ हो गया अब मैं क्या बोल रहा हूँ नब्बे डिग्री नॉर्थ साउथ तो पता चल गया काम कर लो यार जीरो डिग्री बता दो ये इक्वेटर हो जाएगी अपनी इक्वेटर के बाद में ये क्या हो जाएगी साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ ठीक है ये क्या हो जाएगी साढ़े तेईस डिग्री साउथ ये क्या हो जाएगी दोस्तों साढ़े छियासठ डिग्री नॉर्थ और ये क्या हो जाएगी साढ़े छियासठ डिग्री साउथ ठीक है ये हो जाएगा सामने मैंने बताया था सूर्य महाराज है जय हो कितने भाग पर लाइट मारेगा बताओ फिर से बताओ आप कितने भाग पर लाइट मारेगा सूर्य देवता कितने पार्ट पर लाइट देगा हाफ पार्ट पर इसका हाफ बताओ कितना होगा कौन सी लाइन इसका हाफ मैं करूं तो ये एक्सिस वाली लाइन आ जाएगी ठीक है भाई इसका हाफ किया मैंने अब मेरी गलती नहीं है यहां पे पहले से एक्सिस है भाई मेरे को हाफ करने का बोला मैंने कर दिया मैंने हाफ कर दिया ये हाफ जो है ये पृथ्वी के क्या है सूर्य के क्या है सामने है ये पृथ्वी का भाग सूर्य के क्या है दोस्तों सामने तो जो भाग सूर्य के सामने होगा तो मैंने बताया था ये लाइन हो जाएगी अब एल ओ आई इसके इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों दिन और इसके इधर क्या हो जाएगी दोस्तों रात ठीक है यहां पे हो गई रात और यहां पर क्या है दिन आई बात समझ में अब वो अपना दोस्त नहीं है इसमें एक्सिस और एल ओ बराबर आ गया तो ये कैसा केस है जिसके अंदर एलओ आई मतलब प्रदीप्ति रेखा और आपका जो एक्सिस है वो समान आ गया ठीक है हिंदी में भी लिखेंगे लो प्रदीप्ति रेखा बराबर है किसके अपना अक्ष के हमारी गलती नहीं है ठीक है लिख दिया हमने तो भाई आ गया हम क्या करें आ गया तो आ गया ठीक है अब जो ये कह रहा है ना उसको थोड़ा समझते हैं कि ये कह क्या रहा है ठीक है ये क्या कह रहा? ये कह रहा है ये कह रहा है इस लाइन के इधर दिन है कहने का मतलब है इतनी बड़ी दिन ये दिन ये रात ये दिन ये रात ये दिन ये रात दिन रात दिन रात तो आप देख के भी बता सकते हो दिन बराबर किसके रात। रात डायग्राम से दिख रहा है दिन और बराबर। तो आप याद रखोगे जब भी ऐसा केस आता है ठीक है जब भी केस ऐसा आता है, तो आप इस केस में लिख दोगे कि भाई दिन बराबर क्या है रात? जब भी ऐसा आएगा तो आप लिखोगे कि ऐसी अवस्था में दिन बराबर किसके होगा रात के ठीक है आप लिख दोगे इसमें इस कि ऐसी अवस्था में डे इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि अगर पृथ्वी सीधी होती ना तो हमेशा दिन और रात बराबर होते हमेशा दिन और रात क्या होते दोस्तों बराबर होते अच्छा एक बात और देखना यहां पर यहां पर अगर हम देखेंगे ना तो ये पृथ्वी है ये हमारा क्या है दोस्तों इक्वेटर है ना यहां पर ये हमारे पास है भूमध्य रेखा ये देखो दो भागों में बांट रही है नॉर्थ पोल

क्या होगी गर्मी लिख दिया मैंने और अगर नॉर्थ हेमिस्पेयर में सर्दी हुई क्या हुई यहाँ पर सर्दी विंटर मतलब सर्दी हुई तो आप मान के चलो कि दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होगी विंटर क्या ऐसा होता है क्या आप बताओ मुझे क्या ऐसा होता है पूरी दुनिया में क्या हमेशा दिन रात बराबर होते हैं यार कभी दिन रात छोटे बड़े नहीं होते होते हैं ना क्या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक समय पर एक ही प्रकार का मौसम होता है नहीं उल्टा होता है हम उत्तरी गोलार्ध में अभी हमारे यहाँ चल रही है गर्मियाँ दक्षिणी गोलार्ध जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी चल रही है सर्दियाँ वहाँ जब सर्दियाँ गर्मियाँ चलेंगी हमारे यहाँ सर्दियाँ आ जाएंगी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये तो गलत है ये नहीं है अगर ये गलत है तो दया ये हो नहीं सकता तो दया कुछ तो गड़बड़ है क्या है कुछ तो गड़बड़ है गड़बड़ क्या है वो बताओ मुझे एक बार लाइक कर दो यार वीडियो को प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर दो यार इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कुछ तो गड़बड़ है गड़बड़ क्या है पृथ्वी झुकी हुई है सीधी सी बात है और क्या सेकंड केस बनाते हैं देखो आप सारी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे केस नंबर दो केस नंबर दो क्या है केस नंबर दो में हमने कह दिया कि कि झुकाव कितना है साढ़े तेईस डिग्री का झुकाव है कह दिया मैंने है भाई तो है तो चलो करके देखते हैं है से क्या निकल के आएगा सो so, मैंने बनाया देखो ये पृथ्वी है ना नॉर्मल में अगर हम देखते तो यहां से एक्सिस पास होता लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी क्योंकि झुकी हुई है तो एक्सिस भी क्या होगा थोड़ा सा टिल्ट तो हमने पृथ्वी को क्या कर दिया दोस्तों झुका दिया ये देखो ठीक है ये हमने क्या कर दिया झुका दिया सो नाउ दिस इज ये हमारा क्या हो गया एक्सिस यानी कि अक्ष इसके चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है घूम रही है दिस इज एक्सिस अच्छा अगर ये एक्सिस है तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज नाइन्टी डिग्री साउथ अगर वो नाइन्टी डिग्री नॉर्थ है ये नाइन्टी डिग्री साउथ है तो ये क्या हो जाएगा दिस इज़ीरो डिग्री हो गया हमारा जो बात पता है वही लिखेंगे दिस इज़ ट्वेंटी थ्री हाफ नॉर्थ और ये हो जाएगी साढ़े छियासठ डिग्री नॉर्थ ऐसे ही साउथ में आ जाओ ये होगी साढ़े तेईस डिग्री साउथ और ये होगी साढ़े छियासठ डिग्री साउथ लिख दूँ इनको बस साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ भाई देखो अगर हमारा एक्सिस झुका हुआ है तो ये लाइनें भी झुकी होंगी अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था मैंने तो ऐसी कोई चीज जो यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रही हो किसी बच्चे को यहाँ तक ऐसा कोई भी बात जो समझ में ना आई हो हाँ नॉर्थ पोल ये रहा भाई ये नॉर्थ पोल रहा यह साउथ पोल रहा और कईयों के मन में सवाल आ रहा है सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे छह महीने का दिन और छह महीने की रात होती है वो भी बताऊंगा कई सोच रहे हैं सर आर्टिक पे सद, एक चौबीस घंटे दिन चौबीस वो भी बताऊंगा थोड़ा सा सब्र करो सब बताऊंगा वो अगला कॉन्सेप्ट है रिवॉल्यूशन का पहले इसको साबित कर देता हूं मैं यहां तक क्लियर करो ओके की रिपोर्ट है ओके की रिपोर्ट करो भाई ओके की रिपोर्ट करो समझ में आ गया तो लिख दो कमेंट बॉक्स में हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची लिख दो जल्दी से हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची फटाफट लिख दो जिसको समझ में आ गया अब देखो सामने कौन होता है सर ऑब्वियस बात है सामने वही होता है जो होगा सामने है सूर्य महाराज कितने भाग पर लाइट देगा बताओ बताओ भाई कितने भाग पर लाइट देगा हाफ अधे पे देगा या पौ पे देगा कितने भाग पर लाइट देगा भाई सामने सूर्य है कितने भाग पर लाइट जाएगी दे बता ही नहीं रहे यार तुम तो ठीक है हाफ पार्ट पर और हाफ कौन सा होगा ये हाफ नहीं होगा सूरज से देखोगे तो सूरज से इसका हाफ क्या होगा हाफ विल ऑलवेज आप अद्धा तो अद्धा ही रहेगा बोतल थोड़ी ना हो जाएगी भाई लड़कियों को नहीं पता होगा अद्धे बोतल का कॉन्सेप्ट लड़के तो खैर एक्सपर्ट हैं इसमें लड़कियों को नहीं पता बेचारे को तो उनको भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ये अधे का जो शराब आती है ना शराब तो एक पूरी जो बोतल होती है ठीक है उसको कहा जाता है खम्बा ये हाफ जो होती है ठीक है हाफ होता है ना इंग्लिश में आप और वैसे बोलते हैं इसको आधा और जो ये होता है क्वार्टर बोलते हैं इसको एक चौथाई बोतल आती है ना छोटी वाली इसको बोलते हैं पौवा इसको वैसे बोलते हैं क्वार्टर इंग्लिश में नॉलेज है यार पता होनी चाहिए ठीक है कई को बोल दे कि क्वार्टर पी के आए होंगे आप पौआ तुम्हें पता ही नहीं और ऐसे सी सेट में भी तो आ सकते हैं सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन में मिश्रण में आते हैं ना पढ़ाया होगा तुम्हें सी सेट एक बोतल दूध में से इतना दूध निकाल लिया और उसमें इतना पानी मिला दिया बोल दे कि एक पौ दूध में से इतना पानी निकाल के उसमें इतना दूध निकाल के इतना पौवा पानी मिला दिया दूध और उसमें पानी का रेशो ऐसे सवाल पूछा सकता है तो इसलिए याद रखना है लड़कियों को थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर ठीक है थोड़ा ध्यान रखना जनरली इसे पता नहीं होता लड़कियों को पर ये भी गलत फहमी एक बार मैं पहले ना मुनिरका में मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन थी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि लड़कियों को शायद पता नहीं होगा लड़कियों का एक कॉन्सेप्ट है एक लड़की थी नॉर्थ ईस्ट की थी वो कह रहे सर ऐसा कैसे क्यों नहीं पता हमको पता है मैं कहा कैसे क्या पता है क्या किसे कहते हैं उसने सारे बता दिए ब्रांड भी बताने लगी मैं कहा बेस्ट मैडम जी रुक जाओ बहुत है ठीक है मैं कहा इनाफ समझ गया मैं कि आपको सब पता है ब्रांड भी बता दी थी उसने मैंगा जी बहुत बढ़िया शब्बास जागरूक नारी हैं तो भाई ये हाफ पार्ट जो है सूर्य के सामने होगा और जो हाफ पार्ट सूर्य के सामने होगा मित्रों इस पे क्या होगा देखो यार पहली बात तो क्या है ये सारी चीजें सिर्फ आपको एक अच्छे क्लास के लिए बताई जा रही है ठीक है मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है अध्यय पौहे को प्रमोट करना डिस्क्लेमर पहले देता हूँ कभी कह दो मास्टर तो पौवा प्रमोट करता है ठीक है हम सिर्फ कोड प्रमोट करते हैं एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्रमोट करते हैं बाकी अधे पव्ये को मैं प्रमोशन नहीं करता सिर्फ इसलिए कुछ बातें कि ताकि मुझे पता यार सुबह से पढ़ रहे हो स्ट्रेस में होता है आदमी और जॉगर सब्जेक्ट भी ऐसा है अब मैं भी ऐसे ही पढ़ाने लग जाऊँगा तो आफत आ जाएगी ठीक है तो मैं थोड़ा सा माहौल को लाइट रखता हूँ हल्का रखता हूँ कि बच्चा वैसे मतलब खुशी खुशी से पढ़ ले ठीक है मज़े मज़े में सारी चीज़ चाट जाए बस ऐसे कर रहा हूँ मैं तो हाफ पार्ट जो है ये पृथ्वी का वो सूर्य के होगा दोस्तों सामने तो ये हो गया हाफ पार्ट इसका यह हाफ पार्ट क्या होगा सूरज के सामने दिख गया आपको सो दिस इज द हाफ पार्ट व्हिच फेसिस द सन ये फेस कर रहा है सन को ठीक है और ये जो लाइन होगी इस लाइन को क्या बोल लेंगे एल ओ आई क्यों वो प्रतिदीप्ति रेखा प्रदीप्ति रेखा अभी बताया था ना थोड़ा सा थोड़ी देर पहले ये रेखा होगी कौन सी रेखा होगी दोस्तों ये ये रेखा को कहेंगे हम प्रदीप्ति रेखा जो अभी पढ़ी थी हमने मतलब इसके इधर होगा दिन और इसके इधर होगी रात चुपचाप बता देता हूं किसी को बताना मत इधर हो गया दिन इधर रात अब चलो भाई जो ये कह रहा है ठीक है क्या कह रहा है, ये पता है? ये कह रहा है कि इस लाइन के इधर दिन होगा इस वाली के तो देखो इसके इधर दिन मतलब इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी रात देख रहे हो बराबर है ना बराबर है कहने का मतलब है इक्वेटर को ऐसा भी कर दो धरती की धरती को वैसे कुल्ला बाती खुलवा दो इक्वेटर पे दिन रात बराबर रहेगा इक्वेटर पर कभी भी दिन <coughs> इक्वेटर पर कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा ऑलवेज याद रखना सवाल पूछ रहे तुमसे कि बताओ पृथ्वी साढ़े तेईस न होकर अगर साढ़े छियासठ झुकी होती तो इक्वेटर पर दिन और रात में क्या समानता होती बराबर होते हो ठीक है बराबर होते है। इसके अलावा ये जो है देखो ऊपर चले हम ऊपर चले तो देखो, देखो दिन बड़े हो गए रात छोटी और ऊपर गए देखो दिन और बड़े हो गए और रात क्या होगी छोटी नीचे आते हैं दिन हो गए छोटे और लंबी रातें दिन छोटे और लंबी रातें लंबी रातें नहीं ऐसा बोलना कि बड़ी रातें नहीं तो ऐसा लगे कोई आशिक बोल रहा है <laughs> है ना मोहम्मद रफी गाना सुन के आया लंबी रातें हैं है? मैं याद ना नहीं तो यहां लग जाएंगे कमेंट बॉक्स में तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दोस्तों दिन और रात का क्या हो रहा है ड्यूरेशन बदल रहा है तो जब ये केस होता है दोस्तों तो आप हम साफ साफ देख सकते हैं इस केस में क्या है इस केस में जो एल ओ आई है क्या वो एक्सिस के बराबर है बताओ नहीं है अलग अलग है ना दोनों एक्सिस अलग है और ये अलग है हिंदी में क्या लिखेंगे हिंदी में कहेंगे जो प्रदीप्ति रेखा है अभी थोड़ा नाम लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता है इसीलिए मैं इसको एल ओवाइ शॉर्ट में लिखते हैं तो आपको भी उसी से रिप्रेजेंट करना है बराबर नहीं है किसके दोस्तों अक्ष के अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बताइए क्या डे बराबर होगा नाइट के सर नहीं होगा दिख रहा है हमें दिन और रात बराबर नहीं होंगे दिन नहीं होगा बराबर किसके रात के दिन रात छोटे बड़े होंगे और वास्तव में होता भी तो वही है भाई दिन रात छोटे बड़े नहीं होते हैं। गर्मियों में दिन बड़े सर्दियों में रात बड़ी है ना अभी गर्मियों में दिन बड़े और सर्दियों में रात बड़ी का कॉन्सेप्ट क्या ये भी देखो देखो इस केस में ना ये उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है दक्षिणी गोलार्ध सूरज से दूर है ये हमारा था भूमध्य रेखा तो भूमध्य रेखा ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध तो उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है इसका मतलब ये ये डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस क्या है तो, तो सूरज का प्रकाश भी कम पड़ेगा प्रकाश कम पड़ेगा हो सर्दी होगी नॉर्थ में क्या होगी गर्मी तो मैं लिख ये भी भी पॉइंट कि जब नॉर्थ हेमिस्पेयर में उत्तरी गोलार्ध में समर मतलब गर्मी होगी तो साउथ हेमिस्पेयर में क्या होगी विंटर और जब उल्टा होगा तो कि जब नॉर्थ हेमिस्पेयर में सर्दी होगी तो फिर क्या होगी साउथ हेमिस्पेयर में समर हो जाएगी और यही ओके की रिपोर्ट है यही होता है वास्तविकता में यही तो होता है ना तो इससे मैंने प्रूफ कर दिया कि वास्तव में पृथ्वी क्या होती है दोस्तों झुकी हुई होती है हमने सिर्फ प्रूफ किया है तो जो मैं आपको बता रहा था फिर से ध्यान से समझना दोस्तों हमने क्या पढ़ा दोस्तों हमने ये पढ़ा कि रोटेशन से क्या होता है और रिवोल्यूशन से क्या होता है पहली चीज क्या पढ़ा हमने रोटेशन से क्या होता है कितना ड्यूरेशन है क्या प्रभाव है उसके बाद में रिवॉल्यूशन से क्या होता है ये हमने पढ़ा ठीक है फिर पढ़ा हमने इंक्लिनेशन से क्या होता है इंक्लिनेशन मतलब आपका झुकाव तो झुकाव से क्या होता है वो भी हमने देख लिया ठीक है इससे क्या प्रभाव है दोनों डे नाइट भी बनता है और सीजन भी ये जो हो रहा है ना इंक्लिनेशन इसकी वजह से हमने बताया ठीक है इसकी वजह से ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ठीक है इसी को हिंदी में बोलते हैं यहां पर देखोगे तो प्रतिदीप्ति वृत्त बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त ठीक है क्या होता है ये देखो लाइन भी लिखी है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं मात्रा बड़ी वाली थी मैंने छोटी लगा दी करेक्ट कर लेना ठीक है तो यहां तक है एंड साथ ही साथ में प्यारे बच्चों ये भी हमने पढ़ाया कैसे है मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको ठीक है ना ये प्रूफ करके मैंने दिखाया आपको ये क्लियर है कि नहीं है बताओ एक बार बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं है बढ़िया कॉन्सेप्ट था जबरदस्त कॉन्सेप्ट था अच्छी लेवल की चीज पढ़ाई है बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है ठीक है जो अच्छी बात है वो पढ़ाई है वो बताई है मैंने आपको ठीक है ठीक है दोस्तों आज थोड़ा यहीं तक करेंगे थोड़ा मेरे को यार थोड़ी घबराहट सी हो रही है ठीक है अभी यहीं तक करेंगे थोड़ा तबीयत मेरी लगता है मुझे खराब है कल इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कल पढ़ाऊंगा ठीक है इससे आगे रिवोल्यूशन का ठीक है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप इसका एक बार फोटो खींच लो और अपने नोट्स बना लेना देखो ये सारे पर स्क्रीन ले लेना बाद में ठीक है ये मैं देख देता हूँ इसके स्क्रीन ले लेना और बाद में अपने नोट्स बना लेना सबसे रिक्वेस्ट है नोट्स अपने बना लेना मेरे भरोसे नोट्स के मैं रहना पहले बता रहा हूँ तो आज का यहीं तक रखेंगे दोस्तों बाकी कल मिलते हैं फिर से अभी के लिए बता दू दोस्तों एक ऑफर चल रहा है ठीक है कल इसका एक पार्ट और बचा हुआ है रिवोल्यूशन वाला वो करेंगे अभी एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर में आप सुमिटन कोड लगाओगे आपको 20 परसेंट का डिस्काउंट और लगभग छह महीने तक का एक्सटेंशन मिल रहा है छह महीने आपके सब्सक्रिप्शन के बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक ये उनतीस जुलाई तक वैलिड है यानी कि आज रात तक वैलिड है तो देर करो मत यार जाके इसको सब्सक्राइब कर लो इसके साथ यूपीएससी के नोट्स फ्री मिलेंगे अच्छा एक बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ सुमित टेन कोड ही यूज करना क्यों क्योंकि जब आप ये कोड यूज करोगे आपका डेटा अंदर टैग हो जाएगा मैं देख पाऊंगा फिर आपको मैं खुद गाइड करूंगा अगर आप नहीं मेरे से गाइड होना चाहते तो नहीं लेकिन अगर आप मेरे से गाइड होना चाहते हैं तो किसी का भी कॉल आए उनको बोल दीजिएगा हम सुमित सर का ही कोड यूज करना चाहते हैं ठीक है बाकी प्लस और आइकॉनिक दो सब्सक्रिप्शन है प्लस की बात करें तो यहाँ पर लाइव क्लास ठीक है मेरे साथ सुनील सर भी हैं आप उनका भी कोड यूज़ कर सकते हैं एक ही बात है हम दोनों की आइकॉनिक की बात करें तो यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है यहाँ पे लाइव क्लास वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलिमिटेड क्लास पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट ये सब हमारे यहाँ पर है अगर फीस की बताऊँ तो मैं जीएस की फीस है या जीएस प्लस ये जीएस आइकॉनिक तो जीएस प्लस में बारह अट्ठारह चौबीस छत्तीस महीने की ये सब्सक्रिप्शन है ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा इसी प्रकार से इधर अगर हम बात करें तो 12, 18, 24, 36 आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस तो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन सब आप ऑप्शनल के लिए भी दे सकते हो ऑप्शनल का प्राइस है ऑन दिस नोट एम एंडिंग दिस सेशन दोस्तों थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय जय हिंद